गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके के सफर में। हम बात करने जा रहे हैं सितंबर करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सीएट, एक टायर कंपनी है। सीएट ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आमिर खान को चुना है। आमिर खान बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है। फेसबुक ने छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए उनकी मदद करने के लिए एफबी में यानी फेसबुक में बिजनेस सूट लॉन्च किया है। आप सभी जानते हैं कि एफबी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और ये कई प्रकार से लोगों से जुड़ी हुई है और अधिकांश लोगों ने फेसबुक आईडी बना रखी है। तो फेसबुक ने छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए नया बिजनेस सूट लॉन्च किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क बनाने की अनुमति प्रदान की। अब ये प्लास्टिक पार्क क्या होता है? हम सब रोजमर्रा में बहुत सारा प्लास्टिक यूज करते हैं जो वेस्ट होता है, जैसे पानी की बोतल, रैपर्स, डिस्पोजल, बहुत सारे प्लास्टिक हैं जो हम वेस्ट करते हैं। तो उस वेस्ट प्लास्टिक को यूज करके प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, उसे यूजेबल बनाया जाएगा। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में वॉल्ट्री बोटास विजेता बने हैं, यानी कि वॉल्ट्री बोटास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया। ये कार रेस है और वॉल्ट्री बोटास इसके विजेता बने हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनका संबंध बीजू जनता दल से है। दिशा पटानी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। हाल ही में मिंत्रा, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, मिंत्रा ने दिशा पटानी को अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में बीसीसीआई ने भारत की महिला चयन समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड को बनाया है, यानी कि जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, इसने महिला खिलाड़ियों की चयन के लिए या महिला खिलाड़ियों की देखरेख के लिए उसे नीतू डेविड को अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने खुली सिगरेटों के विक्रय पर पाबंदी लगा दी, मतलब कि अब खुली सिगरेटें वहां नहीं बिकेंगी। अब अगर आपको सिगरेट खरीदनी है तो आपको पूरा पैकेट ही लेना होगा और इसका उद्देश्य है धूम्रपान पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाना, ताकि जो लोग एक दो सिगरेट लेते हैं उनको रोका जा सके, धूम्रपान को नियंत्रित किया जा सके। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। हाल ही में लेबनान के मनोनीत पीएम मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और हाल ही में 24 अगस्त को बेरूत में बम विस्फोट हुए थे और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। रेबीज एक प्रकार का रोग है जो कुत्ते काटने से होता है, तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।